हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जो मैंने सेशन स्टार्ट किए थे, जिसमें मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर जो है 8 से 10 मिनट के अंदर जो है पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर हम लोग कवर करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी आपके खुद के नॉलेज के लिए या फिर आपके एग्ज़ाम के लिए, कोई भी करंट अफेयर जो होगा उसको हम लोग कवर करेंगे 10 मिनट के अंदर। तो आप रेगुलरली इन सेशंस को देखो, आपके जो करंट अफेयर्स हैं, आपका जो नॉलेज है वो धीरे धीरे जो है वो इम्प्रूव होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर विदाउट एनी टाइम वेस्ट। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मंडे टू सैटरडे डेली मेरा वीडियो आएगा, शाम को 7 बजे मैं वीडियो अपलोड करूँगा। जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा तुरंत मैं उसका टेलीग्राम पे आपको लिंक दे दूँगा, तो टेलीग्राम को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है ना, वो मैं फर्स्ट कमेंट बॉक्स, जो मेरा कमेंट बॉक्स होगा उसमें जो फर्स्ट कमेंट होगा उसमें मैं पिन करके रखूँगा, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो पहली न्यूज़ क्या है, वर्कर्स कंप्लीट ए वीक इंटरनल रेस्क्यू एफर्ट्स ऑन। तो ये न्यूज़ पिछले हफ्ते, लगभग एक हफ्ता हो गया कवर करते हुए। उत्तराकाशी जो टनल है वहाँ पे काम चल रहा था, उत्तराखंड के अंदर है ये टनल का काम चल रहा था, वहाँ पे जो कुछ वर्कर्स हैं वो फंसे हुए हैं। किसकी वजह से, वहाँ पे जो साइट थी वो डैमेज हो गई, तो वो जो उनको जो बचाने का जो ऑपरेशन है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ना, वो लगातार चल रहा है और जो वर्कर्स हैं उनको जो है निकालने की कोशिश की जा रही है। तो छठ पूजा जो थी उसको देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है ना आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज बनाई हुई थी, जहाँ पे जाके लोगों ने जो है वो छठ पूजा को जो है वो सेलिब्रेट किया। तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको छठ पूजा के बारे में पता होना चाहिए। यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, इन जिलों में जो है ना, मतलब इन स्टेट्स में जो है छठ पूजा को जो है वो बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान की जो है वो पूजा की जाती है। तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। हाँ, फेक डॉक्टर्स रैकेट पुलिस अरेस्ट एजेंट। तो जो फेक डॉक्टर्स का जो रैकेट था ना, वो ये क्या करते थे, फेक डॉक्टर्स जो हैं वो सर्जरीज करते थे और इसमें बहुत सारे लोग जो है ना वो मारे गए। तो ये जो रैकेट था वो जो है उसका जो बांडा है वो पुलिस ने फोड़ दिया है और इन सबको जो है वो पकड़ लिया है, ठीक है। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यू दिल्ली की ये न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। हाँ, ये सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है, पॉलिटिकल न्यूज़ कवर करने का कोई मतलब नहीं है, ये सब पॉलिटिकल पेजेस हैं, ठीक है, स्टेट के पेजेस हैं। नेक्स्ट जो है, हाँ, एक वुमेन जो थी ना, इसके बारे में बता देता हूँ। इन्फेंट चैरिट टू डेथ आफ्टर स्टेपिंग ऑन लाइव वायर ऑन फुटपाथ। फुटपाथ के अंदर में चल रही थी ये, 23 साल की जो है एक औरत थी, ठीक है, इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। और ये क्या हुआ, जो लाइव वायर जो रहती है ना आपके सिटीज़ में भी रहती है, उनके साथ ये टकरा गई, उसमें जो है शॉक इनको लगा और उसके बाद जो है इनकी डेथ हो गई। तो ऐसे ही एक न्यूज़ थी, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, केरला टू एक्सपैंड फॉर्मिंग ऑफ GI टैग ओनाटू क्वारा सीजम, ठीक है। तो केरल क्या कर रहा है, GI टैग मिला हुआ है ओनाटू कारा सीजम को। तो केरल क्या कर रहा है, इसका जो है ना इसकी फार्मिंग को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए वो एफर्ट लगा रहा है। जो अलापाउजा डिस्ट्रिक्ट है ना केरल के अंदर, वहाँ में है जो है इसमें सबसे ज़्यादा फार्मिंग होती है, तो उसी को जो है वो बढ़ाने की जो है वो बात की जा रही है, ठीक है। तो ये जो है इसका पेड़ है, आप देख सकते हो, तो इसकी खेती करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि GI टैग जो है वो मिला हुआ है ओनाटू कारा को, ठीक है। नेक्स्ट जो है, येलो अलर्ट इशूड फॉर 6 districts इन केरल टुडे। तो केरल की 6 districts के अंदर में जो है वो येलो अलर्ट लगा हुआ है। येलो अलर्ट क्यों लगा हुआ है, क्योंकि मानसून जो है ना, जो अभी नॉर्थ ईस्ट का जो मानसून है वो हिट करने वाला है केरल को, तो 6 जगह पे जो है हैवी रेन होने की जो है वो संभावना है, जैसे अलापुजा हो गया, इडुक्की हो गया, ठीक है, कोल्लम हो गया, तो इन सारी जगह पे जो है वो ये सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट जो है, स्टोरेज इन कावेरी बेसिन रिजर्वायर डिप्स टू नियरली हाफ देयर ग्रॉस कैपेसिटी। तो जो कावेरी का जो बेसिन है ना, रिवर जो बेसिन है, रिवर बेसिन का मतलब क्या होता है, जो ड्रेनेज एरिया है, ठीक है, जहाँ तक रिवर जो है वो बहता है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जो रिजर्वायर्स रहती हैं, मतलब जो आर्टिफिशियल लेक रहती है ना, उनकी कैपेसिटी जो है वो आधी हो गई है, ठीक है, डिप्स टू नियरली हाफ देयर ग्रॉस कैपेसिटी, मतलब ये आधे आधे हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि बारिश जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है पिछले कुछ दिनों से, जो एनुअल रेनफॉल है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, ठीक है, और जो नॉर्थ ईस्ट अभी मानसून आने वाला है उससे ज़्यादा बारिश जो है वो कावेरी में नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसकी वजह से जो रिजर्वायर्स है ना कावेरी के आसपास के, कावेरी जो रिवर है उसमें कमी आई है। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे।
दिल्ली स्टूडेंट्स, आपको ये पता है ये पोल्यूशन के बारे में डेली न्यूज़ आती है, तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो आर्टिकल है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। स्टीयरिंग रोड सेफ्टी इन इंडिया बैक टू द राइट लेन। जो हम लोग, हमारा जो प्रयास था ना कि रोड सेफ्टी को हम लोग और बेहतर बनाएं, उसको स्टीयरिंग करें, मतलब उसके ऊपर जो हमारे एफर्ट्स लग रहे थे ना, वो भी सही डायरेक्शन में है। ठीक है, आपको पता है इंडिया जो रोड है ना, ये हमें ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी भी देता है, साथ साथ में क्या होता है जो मॉडर्नाइजेशन और इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी जो है हमारी करवाता है। लेकिन हर साल जो है ना, लगभग 3 लाख जो हमारे लोग हैं वो मारे जाते हैं रोड एक्सीडेंट में इंडिया में। ये किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, यूएन की जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि इसमें बहुत सारी जो है वो डेथ होती हैं नेगलिजेंसी की वजह से, हेलमेट नहीं पहनते हैं लोग, सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 3 लाख जो लोग हैं लगभग वो मरते हैं रोड एक्सीडेंट में, WHO की ये न्यूज़ है। उसके बाद जो 19 नवंबर है ना, उस दिन बनाया जाता है, उन लोगों को रिमेंबर किया जाता है, याद किया जाता है रोड एक्सीडेंट में जो लोग मारे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हम लोग क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, हमारे फोकस एरिया क्या होने चाहिए, हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए, रूल बनाने चाहिए कि आपको हेलमेट पहननी है, आपको सीट बेल्ट पहननी है। ठीक है, और जो पीछे बैठा है, जो पीछे का जो लोग है उसको भी हेलमेट पहननी है। तो इस तरह से हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। पुलिस जो है वो कैंपेन कर सकती है जगह जगह पे, प्राइवेट जो हर जो मतलब तबका है ना, उसको एक साथ मिलके आना पड़ेगा अगर हमें रोड सेफ्टी को और ज़्यादा पुख्ता करना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। उसके बाद मेकिंग पब्लिक एजुकेशन इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? सबके लिए जो है ना, पब्लिक एजुकेशन जो है हमें सबके लिए करनी चाहिए। और इसकी मतलब इंक्लूसिव मतलब ओवरऑल सबके लिए, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो, गरीबी अमीरी। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमारे जो सरकारी स्कूल्स हैं उनको इम्प्रूव करना होगा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है एक रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म की है, चेंज की है। जो स्टेट पब्लिक एजुकेशन सेक्टर है, उन्होंने एक उड़ीसा आदर्श विद्यालय OAVDMO स्कूल अभियान इसको चलाया है, एंड दी 5T हाई स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो ये सारी चीज़ें वो चला रही हैं ताकि जो स्कूल है उनको बेटर किया जाए, गवर्नमेंट स्कूल को जो है बेटर किया जाए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, क्वालिटी जो है उनको सुधारा जाए। तो जो हमारी जो रैंक थी ना OAB की, ये जो है 5th बेस्ट स्कूल था इस स्कीम के तहत जो उड़ीसा में था। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, ये गवर्नर का क्या रोल होता है लेजिस्लेचर में? आपको पता है जो आर्टिकल 200 है ना, आपको पता है अभी तमिलनाडु में क्या केस चल रहा है कि बहुत सारे जो बिल है ना वो गवर्नर के पास पेंडिंग पड़ रहे हैं, ना तो गवर्नर उसको एक्सेंट दे रहा है, ना उसको मतलब उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। तो गवर्नर का क्या रोल होता है लेजिस्लेचर में? गवर्नर का रोल यही होता है आर्टिकल 200 के तहत, या तो वो बिल को जो है रोक सकता है, या फिर उसको एक्सेंट दे सकता है, सहमति दे सकता है, या फिर प्रेसिडेंट के लिए भेज सकता है कंसीडरेशन के लिए। तो यही इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें दो जो हमारे कमीशन बैठे हुए थे ना, एक सरकारिया कमीशन जो 1987 में आया था उसके बारे में बताया गया है। उन्होंने बोला है कि इसमें कोई मतलब उन्हीं केसेस को जो है प्रेसिडेंट को रेफर करना चाहिए गवर्नर को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, जो कि काफ़ी रेयर केसेस हो, मतलब ऐसे केसेस जो कभी कभी आएँ। और जो दूसरा कमीशन था ना, पुंची कमीशन 2010 में जो आया था, उसने बोला था कि गवर्नर को जो है ना बिल के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए, और विद इन 6 मंथ जो है उसको एक्सेंट देना चाहिए बिल को, मतलब कोई ना कोई जो है वो डिसीजन लेना चाहिए। हालांकि इनकी रिकमेंडेशन को जो है वो नहीं माना गया। नेक्स्ट जो है, अमेजोन इज प्लम्बिंग वेयर हाउस विद रोबोट्स एमिड वर्कर सेफ्टी कंसर्न। जो अमेजोन है ना, जो कंपनी है, ये क्या करती है, इसने रोबोट लगाए हुए हैं एक जो गुड्स रहते हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए वेयर हाउसेस में, मतलब गोदामों में। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट का यूज़ करके ये बहुत सारे काम जो है वो कर रहा है। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ आ गई, CM ने क्या किया, किसी ने क्या किया, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो गाज़ा के अंदर युद्ध चल रहा है, ये डेली न्यूज़ आती है, पैलेस्टीन की न्यूज़ आती है। उसके बाद हाई कोर्ट अपहोल्ड बैन ऑन की अपोजिशन इस्लामिक पार्टीज। ठीक है, बांग्लादेश ने जो है वो बैन लगाया हुआ है जो की इस्लामिक पार्टीज़ हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड कप जीत चुकी है, ये आपको पता होना चाहिए, ये 6th टाइटल है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो कोहली को जो है वो मैन ऑफ द सीरीज मिला, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरा न्यूज़पेपर मैंने आपका कवर कर लिया। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह इसको शेयर करना, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। उसमें डेली वीडियो लिंक जो है मंडे टू सैटरडे जैसे ही वीडियो आएगा तुरंत मैं आपको वीडियो लिंक दे दूंगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।